अल्ट्रासाउंड के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि खुलासा करके बताएगा आपको अगर इसमें अंदर कोई सिस्ट बन जाता है ना, तो ये भी एक पैथोलॉजी है जो कि स्प्लीन के अंदर जब मास पैदा होता है तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो किस तरह से उसकी शक्ल होती है, किस तरह से उसका साइन होता है, ये मास है। ठीक है, अगर सिस्ट का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सिस्ट के साथ स्प्लीन की इमेज इस तरह से आती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली वकार, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्स हेल्थ। आज की वीडियो बहुत ख़ास है जी, अगर आज आपके पास चंद मिनट हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि आज का जो लेसन है हम स्प्लीन के ऊपर देने जा रहे हैं। स्प्लीन में क्या क्या पैथोलॉजीज़ होती हैं, स्प्लीन मतलब स्प्लीन का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो कैसे दिखता है, स्प्लीन कैसे दिखती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, उसकी हम जो है मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको उसमें अगर कोई सिस्ट होगा तो वो कैसे नज़र आएगा, स्प्लीन के अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वो किस तरह से नज़र आएगी, ये सारी बातें आज की वीडियो में है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेक्चर बहुत ख़ास होने वाला है, इस ख़ास लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझें ताकि मैं समझाने में मेरा जो मैंने टाइम लगाया है वो वक्त जो है वो फ़ायदे में जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इतनी मेहनत करते हैं, इनके कोई पैसे नहीं मिलते, अगर आप लाइक कर देंगे तो आपकी बड़ी नवाजिशें होंगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं हर एक कमेंट का आपको जो है रिप्लाई देता रहता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं इस चैनल को तो ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदलेगा। अल्ट्रासाउंड के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ऐसा कोई चैनल नहीं है जो कि खुलासा करके बताएगा आपको, इजीली एक एक स्टेप को हम जो है कवर कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि आपको आपके एब्डोमेन के अंदर होता है, उसमें जो पैथोलॉजीज़ होती हैं बेसिकली आम तौर पर स्प्लीन सूज जाती है, यानी उसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगली। दोस्तों स्प्लीन अगर सूज जाए, यानी स्प्लीन अगर उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगली। अब स्प्लीन के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर आने वाले हैं, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर तो मैं कवर नहीं कर पा रहा, ना ही कोई कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भी हम इस चीज़ को भी कवर करते चलेंगे इस चैनल के ऊपर, कि ताकि हमें स्प्लीन का भी सही से आइडिया हो कि स्प्लीन बेसिकली चीज़ क्या है। स्प्लीन अगर इसमें अंदर कोई सिस्ट बन जाता है ना, तो ये भी एक पैथोलॉजी है जो कि हमें रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ती है कि स्प्लीन के अंदर ये सिस्ट बना हुआ है। अब सिस्ट कैसा होता है, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्प्लीन के अंदर जो सिस्ट होता है वो इस शेप में होता है, यानी ये एक ब्लैक कलर की थैली होती है जो कि स्प्लीन में वाजे नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ईजी और आसान तरीके से। अगर स्प्लीन के अंदर कोई मास होगा तो मास बेसिकली ये तो इसकी एनाटॉमी जो हम पढ़ते हैं वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि ये स्प्लीन के अंदर मास पैदा क्यों होते हैं, स्प्लीन के अंदर सिस्ट पैदा क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता से कवर करेंगे। जो जो मैं आपको आज की वीडियो में बता सकता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुछ छोड़ेंगे आगे के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा होगा, फिर आप बोर हो जाते हैं और आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस रिटेंशन जो है गिर जाती है। इतनी मेहनत भी करते हैं आपके लिए कॉन्टेंट जमा करते हैं, और अगर आप देखें भी नहीं कॉन्टेंट को तो थोड़ा दुख होता है, इसीलिए इस वीडियो को या कोई भी हमारी वीडियो हो उसे मुकम्मल देखा करें। स्प्लीन के अंदर जो मास होता है वो मास इस तरह से होता है, ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से वाच कीजिए कि स्प्लीन के अंदर जब मास पैदा होता है तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो किस तरह से उसकी शक्ल होती है, किस तरह से उसका साइन होता है, ये मास है। ठीक है, अगर सिस्ट का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो सिस्ट के साथ स्प्लीन की इमेज इस तरह से आती है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं वाजे तौर पर। ठीक है जी, जब स्प्लीन की साइज़ बढ़ जाती है, यानी स्प्लीनोमेगली हम रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, साइज इंक्रीज होने की वजह से, तो इस तरह से सूज जाती है, आप अल्ट्रासाउंड में देखिए। ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड आपके लिए, अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड में करियर बनाना चाहते हैं तो ये टिप्स आपके लिए यकीन माने पेड कोर्सेज में मौजूद होती हैं, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देखिए आपको क्या है, आप अगर 5 मिनट निकाल के हफ्ते में एक लेक्चर हम देते हैं उसको अगर आप नहीं देख सकते तो मैं समझता हूँ कि आप अपने साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप इन वीडियोज़ को देखा करें, हफ्ते में एक वीडियो, यार उसमें हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत होती है, बड़ी जिदोजहद होती है, कंटेंट जमा होता है, फिर उस कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस होती है, फिर आपके साथ जो है इन वीडियोस के थ्रू मैं शेयर करता रहता हूं। सो अगर आपने इस
सीक्वेंस को जारी रखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आज जो कुछ था थोड़ा बहुत मैंने आपको स्प्लीन के ऊपर गाइड कर दिया कि स्प्लीन में ये चीज़ें जो है वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। तो अगर आप स्प्लीन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको इंशाल्लाह ताला स्प्लीन के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप किस तरह से जो है मज़ीद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आने वाली कोई वीडियोस में मैं इसकी थोड़ी बहुत एनाटॉमी भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि अल्ट्रासाउंड का जो सिक्वेंस है वो बरकरार रहे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपना अपनी फैमिली का अपने बच्चों का बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।